गुड मॉर्निंग क्लास 9C। चिल्ड्रन, हम लोग ने लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट बताया था, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैंने बताया था कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स उसके आसपास कोई दूसरी बॉडी नहीं है, तो उस बॉडी की हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वर्टिकल मोशन की हम बात करें, अगर कोई बॉडी ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं या ऊपर से कोई बॉडी नीचे आ रही है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग द मोशन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो मैं यहाँ एक प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूँ, अगर कोई बॉडी कैपिटल एच हाइट से फ्रीली फॉल कर रही है, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। मैंने सपोज़ कर लिया है कि बॉडी का मास एम है, तो मैं अगर ए पॉइंट पे देखूँ, एट ए पॉइंट ए, कैपिटल ए, मैं ए वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट पे जब बॉडी को, किसी बॉडी को मैं रिलीज़ करूँगा, छोड़ूंगा, तो उस समय उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, उसको थ्रो नहीं किया है, खाली रिलीज़ किया है, ठीक है ना। इफ़ ए बॉडी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम ए एट ए हाइट कैपिटल एच, एच हाइट से मैंने रिलीज़ किया है, देन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को मैं के बेस में ए लिख दे रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो है तो हाफ एम यू स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और इसमें अगर मैं यू की वैल्यू ज़ीरो रख दूँ तो हाफ एम इंटू ज़ीरो, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो आ गई। और चिल्ड्रन, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमेशा जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उसकी ग्राउंड से हाइट देखेंगे। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैपिटल यू सिंबल यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला एम जी एच, ए वाले पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कैपिटल एच है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। Therefore, mechanical energy means sum of kinetic energy and potential energy. Mechanical energy at A अगर निकालना है total energy, तो मैं kinetic energy और potential energy को add करूँगा। Kinetic energy तो zero है, तो केवल potential energy होगी, और potential energy की value हमें यहाँ नज़र आ रही है कि एम जी एच है। तो मैंने A point पे जो total energy निकाली उसको मैंने इक्वेशन ए सपोज कर लिया। अब मैं बी पॉइंट पे निकालने जा रहा हूँ, एट ए पॉइंट बी, जब आपको बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो आपको बी पॉइंट की हाइट मालूम होनी चाहिए और बी पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। तो मैंने सपोज कर लिया है कि एम मास की बॉडी को जब हम फ्रीली फॉल कराएंगे, तो जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगी, इस बी वाले पॉइंट पे मैंने सपोज कर लिया है उसकी वेलोसिटी वी बी हो जाएगी, तो मैं ए से बी के लिए फ्रॉम ए टू बी मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने जा रहा हूँ। भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं क्या होता है, ये फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब ए से बॉडी आ रही है तो हम ए से बी तक की हाइट लेंगे बस, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे वी बी है, तो इसकी बेस में वी बी लिख दे रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो यू तो ज़ीरो हो गया, प्लस टू जी हाइट जो लेंगे, जो डिस्टेंस जितनी उसने कवर की है बी तक पहुँचने में, ए से बी तक पहुँचने में स्मॉल एक्स डिस्टेंस कवर की है, इसलिए आ गया वेलोसिटी आ गई टू जी एक्स। मैंने रूट नहीं लगाया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब निकालूंगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी पॉइंट पे आप जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हाफ एम वी बी स्क्वायर। वी बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर करेंगे तो 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई बी पॉइंट पे एम जी एक्स। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है एम जी एक्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूँ। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हाइट हमेशा ग्राउंड से लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हाइट हमेशा ग्राउंड से लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, अगर मैं बी पॉइंट की ग्राउंड से हाइट देखूं तो कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट एच कैपिटल एच थी और ए से बी तक की डिस्टेंस स्मॉल एक्स हो गई थी, तो बच जाएगी कितनी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एक्स, ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, तो ये आ गया एम जी इंटू कैपिटल एच माइनस एम जी इंटू स्मॉल एक्स। नाउ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, बी पॉइंट पे अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी निकालूँ, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, तो काइनेटिक एनर्जी तो है एम जी एक्स और पोटेंशियल एनर्जी ये निकाली इक्वेशन 3 में एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये प्लस एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स से कैंसिल, तो टोटल एनर्जी आ गई एम जी कैपिटल एच। यही एनर्जी ए पॉइंट पे आई थी, मैं दिखाऊंगा कि ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो या सी पॉइंट हो, हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। यहाँ मैं डायग्राम दोबारा बना दे रहा हूँ, बी पॉइंट पे वेलोसिटी वी बी हो गई थी, मैं सपोज कर ले रहा हूँ जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी उस समय उसकी वेलोसिटी वी सी होगी, ये नहीं सोचेंगे कि टकराने के बाद तो रुक जाएगी, टकराने के बाद रुकेगी ना, टकराते समय तो रुकेगी नहीं, ठीक है, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो मैं एट ए पॉइंट थर्ड हेडिंग डाल रहा हूँ एट ए पॉइंट सी, अगर मैं सी पॉइंट की बात करूँ तो सी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो मैं बी से सी तक की बात कर रहा हूँ, अगेन बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, एच माइनस एक्स। वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वी बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में 2gx था, ये 2gh हो गया, ब्रैकेट खोल लिया माइनस 2gx, ये इससे कट गया, तो वी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh, इसको मैं इक्वेशन 4 कह दे रहा हूँ। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूँ, काइनेटिक एनर्जी एट सी, सी पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालूँगा तो फॉर्मूला होगा हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर इसका रख देंगे तो ये 2gh, 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एम जी कैपिटल एच, इसको इक्वेशन 5 में कह दे रहा हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी निकाली। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ, जब बॉडी ग्राउंड पे पहुँच जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में एम जी एच होता है, और आपको बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त हमेशा हाइट आपको कहाँ से लेनी है, ग्राउंड से, तो कोई बॉडी ग्राउंड पे ही पड़ी हुई है तो उसकी हाइट तो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ मैं एच की जगह 0 रख दे रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 हो गई, ठीक है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करने जा रहा हूँ। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो मैं ई सी इज इक्वल टू लिख दे रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना है, पीछे निकालना है एम जी एच, एम जी कैपिटल एच, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है,
तो टोटल एनर्जी आ गई एम जी कैपिटल एच। ठीक है, ये सी पॉइंट पे आ गई, ए पॉइंट पे एनर्जी निकाली मैंने एम जी एच आई, बी पॉइंट पे एनर्जी निकाली एम जी एच आ गई, और सी पॉइंट पे भी एनर्जी निकाली तो एम जी एच आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी, इट इज क्लियर दैट टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कंजर्व्ड ड्यूरिंग फ्री फॉल। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो हर एक पॉइंट पे, अच्छा केवल फ्री फॉल में ही नहीं कंजर्व रहती है, ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तब भी कंजर्व रहती है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रूफ किया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दी।